गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की उन बातों के बारे में जिन्हें अपनाने से सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता की उन 5 बातों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। गीता उपदेश की महत्वपूर्ण बातें। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है, इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। मुंजई और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।